आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश खबरों की। पांचवें चरण को लेकर आज प्रचार प्रसार का आखिरी दिन है। इसी कड़ी में राजनीतिक दलों की ताबड़तोड़ जनसभाएं हो रही हैं। तो वहीं श्रावस्ती जनपद के मुख्यालय भिनगा असदुद्दीन ओवैसी पहुंचे। ओवैसी ने भिनगा के स्टेडियम मैदान में जनसभा को संबोधित किया। अपने संबोधन में भिनगा विधानसभा से AIMIM प्रत्याशी आसिया बेगम के लिए वोट की अपील की। इसी के साथ ओवैसी ने बीजेपी की डबल इंजन की सरकार पर जमकर हमला बोला और बीजेपी को झूठी सरकार बताया। जिन जालिमों ने हम पर गोलियां चलाई, हमने संसद में इस बात को कहा कि आखिर इन ये इतना कट्टरपंथी क्यों हो गए, किसने इनको इतना कट्टरपंथी बनाया, किसने इनको बंदूक उठाने पर मजबूर किया, उनको बैलेट पर भरोसा नहीं है, अंबेडकर के संविधान पर उनको एतमाद नहीं है, उनको गोली पर भरोसा है, तो ये बात मालूम करने की ज़रूरत है। देखिए ना, उनको तो लाशें नज़र नहीं आई कोविड के दूसरी महामारी में, बेरोजगारी नज़र नहीं आई, जो आवारा पशु उनको नज़र नहीं आए, तो इनको यही नज़र जो नज़र आता है वही कहते हैं वो। और उनको तो 12th के बाद इंटर आता है उनको मालूम। रूस और यूक्रेन के बीच आपसी विवाद चल रहा है। वहीं रूस द्वारा यूक्रेन पर किए गए हमले के बाद यूक्रेन में पढ़ाई करने वाले भारतीय छात्रों के परिजन अपने बच्चों के स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं। आपको बता दें कि यूक्रेन में पढ़ने वाले छात्रों में 30 छात्र अलीगढ़ से हैं, जो कि MBBS करने के लिए यूक्रेन गए हुए थे। वहीं यूक्रेन में पढ़ने वाले अलीगढ़ के छात्र सौरभ के पिता विश्वमित्र आर्य ने जानकारी देते हुए बताया कि उनका बेटा यूक्रेन में पढ़ रहा है और MBBS की 4th ईयर में है। फिलहाल दोनों देशों के बीच युद्ध का माहौल है, तो हम चाहते हैं कि जल्द ही सरकार द्वारा हमारे बच्चे को एयरलिफ्ट कराया जाए। साथ ही यूक्रेन में फंसे बच्चों की स्वस्थ कामना के लिए परिजनों द्वारा ईश्वर से प्रार्थना और पूजा अर्चना भी की जा रही है। मेरा बेटा जो है इस समय यूक्रेन के खार्किव डिस्ट्रिक्ट में है, उसको लगभग 4 साल हो गए यहाँ से गए, 4th ईयर में है और इस समय का जो माहौल है उसको देखते हुए थोड़ा टेंशन बहुत ज़्यादा हो रही है। 4 साल में इतनी टेंशन कभी नहीं हुई जितनी इस बार हो रही है। फ़्लाइटें जो है रूस के अटैक के बाद से, फ़्लाइट भी उसको 26 तारीख को उसकी फ़्लाइट थी, लेकिन रूस के अटैक के कारण एयर वहाँ सारा ट्रैफिक बंद हो गया, फ़्लाइट भी नहीं आ रही है। चिंता वाली बात ही है इस समय, तो हम बहुत चिंतित हैं सारा कि किस तरह से बच्चा घर आ जाए, बस यही चाहते हैं इस समय। यूक्रेन में एशिया में हो रहे युद्ध पर मथुरा की सांसद और फिल्म अभिनेत्री हेमा मालिनी ने बलिया के बेलथरा विधानसभा के नगर के जनसभा में बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही है और मोदी जी से युद्ध रोकने के लिए विनती कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी युद्ध रोकने की कोशिश कर रहे हैं। मोदी जी को आज पूरी दुनिया में वर्ल्ड लीडर के रूप में देखा जा रहा है। हमारे देश को कहां से कहां तक लेकर आए हैं, इतना अद्भुत विकास किया है, सब पूरा विश्व दंग रह जाता है देखते देखते कि ऐसा कैसा हो सकता है। और प्रधानमंत्री अपने लिए एक खास नाम भी बनाया है, उनको इतना मान सम्मान देता है पूरा विश्व। अभी भी आप देखिए यूक्रेन और रशिया का जो युद्ध चल रहा है, उसमें भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री भाग लेकर उसमें उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए सब लोग विनती कर रहे हैं हमारे मोदी जी से, क्योंकि मोदी जी को बहुत बड़ा वर्ल्ड लीडर मानते हैं, आप सब लोग भी मानते होंगे, हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। यूक्रेन में भारत के कई छात्र छात्राएं फंस गए हैं, जिनके घर वाले जिलाधिकारी और प्रधानमंत्री से छात्रों को सुरक्षित वतन वापस लाने की गुहार लगा रहे हैं और साथ ही एयरलाइंस की मनमानी वसूली पर भी लगाम लगाने की मांग की जा रही है।
ये चाहते हैं कि वो बच्चे एम्बेसी पहुंच जाए और वहीं से ही उनको यहाँ पर लाया जाए, क्योंकि उनके पास वहाँ पर कोई शेल्टर नहीं है। थोड़ी सी बात हुई थी क्योंकि नेट प्रॉब्लम चल रही है वहाँ पर, तो उन्होंने यही बोला है कि हमें वन नाइट स्टे मिला है, एक अपार्टमेंट में होटल है स्टेशन के पास, और सुबह को वो हमें खाली करना है और एम्बेसी जाने के लिए कोई रास्ता नहीं उन्हें मालूम है, ना उनके पास कोई टैक्सी है ना कोई बस है, और पैसों की प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा हो रही है क्योंकि ATM के लिए वहाँ पर कोई इतनी लंबी लंबी लाइनें हैं, कोई रास्ता नहीं। जी हमने उनसे मांग की है कि एक तो किराया बहुत बढ़ा दिया है, एक तो वो कम कराया जाए और उन्हें सुरक्षित यहाँ पे वापस लिया है, तो DM साहब ने आश्वासन दिया है कि उनके लिए हम ट्राई कर रहे हैं और हमारी वहाँ की एम्बेसी जो है लगातार उनके संपर्क में है। हमारी आज सुबह ही बात हुई उनसे, लेकिन वो जो है ना बहुत परेशान। जी क्या काम है? एम्बेसी वालों ने उन्हें आश्वासन दिया है कि आप जहाँ हैं वहीं रहें और हम आपको वहीं से पिकअप करेंगे। कांग्रेस में सपा ने बड़ी सेंध लगाई है, जहां इटवा विधानसभा 305 के कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रत्याशी कमाल अहमद ने कांग्रेस छोड़कर अपने समर्थकों के साथ सपा में शामिल हो गए। सपा के प्रत्याशी पूर्व विधानसभा अध्यक्ष ने उन्हें शपथ दिलाई। आपको बता दें कि कमाल अहमद दो बार सदस्य जिला पंचायत भी रह चुके हैं, इसलिए जनता में उनकी काफी पकड़ भी मानी जाती है। कांग्रेस के पास कोई नीति सिद्धांत रह नहीं गया है, उनके लोग पैसा लेके टिकट दे देते हैं, कांग्रेस में रहने का कोई मतलब? सपा की लहर है और सपा और आदरणीय पांडे जी हम लोगों के पुराने गुरु हैं, मैं इतना दूर दूर रहा उनसे, हाँ इस चीज़ के लिए मुझे बड़ा खेद था और मैं चाह रहा था कि मैं आपके साथ जुड़ूँ, मेरी मुलाकात हुई और मैं प्रभावित होकर समाजवादी पार्टी और आदरणीय पांडे जी के कार्यक्रमों में प्रभावित होकर मैं समाजवादी पार्टी ज्वाइन किया। गोरखपुर पहुंचे राज्यसभा सदस्य एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व पुलिस महानिदेशक ब्रिजलाल ने जमकर समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जो जितना बड़ा अपराधी वो उतना बड़ा समाजवादी। वो यही नहीं रुके, आगे उन्होंने कहा कि आतंकियों की पैरवी और माफिया अपराधियों को संरक्षण देना सपा की मूल नीति है। नगरपालिका कर्मचारी संघ की ओर से 2020 में अपनी मांगों को लेकर किए गए आंदोलन के चलते सरकार द्वारा मांगों पर कोई गौर नहीं दिए जाने को लेकर और वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए नगरपालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के आह्वान पर आज सफाई कर्मचारियों ने झाड़ू उठाकर जोरदार प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कर्मचारी नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि मांगों को नहीं माना गया तो हिसार में मंत्री कमल गुप्ता के निवास का घेराव करेंगे। देखिए आज जो हम प्रदर्शन कर रहे हैं नगर पालिका कर्मचारी संघ के आह्वान पर, जो हमने पीछे आंदोलन किए थे 2020 में और मांग कर रहे थे, जो कोरोना टाइम की महामारी में जो हमारा कर्मचारी काम कर रहा था, हम मांग कर रहे थे अनिल विज मंत्री से कि हमारे कर्मचारियों को कोरोना टाइम में जोखिम भत्ता दिया जाए, 4,000 रुपया कर्मचारी की तनख्वाह में लगाया जाए और 50 लाख का बीमा किया जाए, नई भर्ती की जाए, कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए, लेकिन हरियाणा सरकार 2020 से अब तक हमारी मांगों पर कोई ध्यान नहीं है, इसलिए आज हम फिर दोबारा से हरियाणा सरकार के खिलाफ उस वादा खिलाफी को याद दिला रहे हैं जो हरियाणा सरकार ने हमारे नगरपालिका कर्मचारी संघ के डेप्यूटेशन के साथ बातचीत की थी, उन बातचीत के माध्यम को हम दोबारा से दोहराना चाहते हैं। रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है, ऐसे में यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे छात्रों की हालत बद से बदतर हो गई है। पूरी रात भूखे प्यासे बंकर में गुजारना पड़ रहा है। बता दें छात्रों के घर वाले लगातार भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से छात्रों को सकुशल अपने वतन वापस लाने की मांग कर रहे हैं। मेरा भाई यूक्रेन में MBBS की पढ़ाई कर रहा है, उसका तीसरा ईयर है। अचानक से रशिया ने अटैक कर दिया यूक्रेन पे, जिसकी वजह से वहाँ पे दिक्कत पैदा हो गई है। अब हमारे भाई को भारत सरकार से अपील कर रहा हूँ कि सकुशल हमारे देश अपने मुल्क में वापस ले आए। मामला ये है भाई कि हमारा छोटा भाई है अखलाक अहमद नामी, जो कि अक्टूबर में गया था यूक्रेन में MBBS के लिए, वहाँ डॉक्टरी की पढ़ाई करने के लिए, वो वहाँ खार्किव शहर में रहता है। तो बीते रात पिछले 2 दिनों से वहाँ लगातार रूस के द्वारा जो हमले हो गए उसकी वजह से हम लोग काफी डरे हुए हैं। कल रात में उससे बात हुई, वो भी काफी डरा हुआ है और कह रहा है कि भाई जितना जल्दी हो सके हमको वहाँ से बुला लो, हम
हम भारत सरकार से अपील करते हैं कि जितनी जल्दी हो सके वहाँ सभी। संभल में राशन वितरण में गड़बड़ी को लेकर ग्रामीणों ने विरोध किया है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि डीलर राशन वितरण में गड़बड़ी की और विरोध करने पर अभद्र भाषा का प्रयोग किया और राशन देने से मना कर दिया, जिसके बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। वहीं जब जिला पूर्ति अधिकारी ने बात की गई तो बताया गया कि ये मेरे संज्ञान में नहीं है, यही यदि सही है तो जांच करके कार्रवाई की जाएगी। क्या नाम है आपका? सिराजुद्दीन जी। कहाँ पे खड़े हो इस समय आप? इस समय मातावाली मिलक में खड़े हैं जी। कहाँ पे? ये डीलर साहब के दौर है। डीलर साहब के पास तो राशन ले लिया आपने? ले लिया। तो कितने नाम है पर्ची में आपकी? नाम 5 है। तो आपको कितना मिला? 20 किलो। तो ये तो 25 बैठ रहा है, 5 के हिसाब से आपने कम किलो? 4 किलो दे रहे हैं, ये भी यूनिट है। 4 ही दे रहे हैं? आपने पूछा नहीं डीलर साहब 4 किलो? पूछा बोले साहब हम तो 4 ही चल लिया। 4 ही चल लिया। क्या नाम बताइए आपका? कहाँ रहती हो? अच्छा, यहाँ पर जो खड़ी हो तो राशन लेने जो आई हो, ये कौन से गांव है? ये मणियो मायू राशन लेने। कौन सा कार्ड है आपका? लाल कार्ड है। तो आपके कितना राशन दिया डीलर साहब ने? 9 किलो दिया। आपने पूछा नहीं कि 9 किलो राशन क्यों दे रहे हो, पूरा क्यों दे रहे हमें? तो क्या कहा डीलर साहब ने? गेहूँ लोगों तो इतने मिलेंगे। तो आपने दोनों सामान क्यों नहीं लिए? गेहूँ और चावल दोनों मिलते हैं ना, तो आपने गेहूँ लाइन लगा के जमा एक रुपया। महोबा में भीषण सड़क हादसा हो गया है। चरखारी कोतवाली क्षेत्र के सुदामापुरी के पास पर अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार पीआरबी जवान की मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जानकारी के मुताबिक डायल 112 बाइक में ड्यूटी करके लौटते समय यह हादसा हुआ। खबर मैनपुरी से है, जहां की मेडिकल छात्रा स्नेहा यादव यूक्रेन में फंस गई है। स्नेहा के घर वाले लगातार स्नेहा से फोन पे बात करके उसे हिम्मत दे रहे हैं। आपको बता दें कि छात्रा के घर वालों ने पीएम मोदी के साथ विदेश मंत्रालय से भी मदद की गुहार लगाई है। क्या अपील करना चाहते हैं? मैं माननीय प्राइम मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि बच्चों को सपोर्ट करने के लिए थोड़ी हेल्प करें और कंसर्न जो डिपार्टमेंट है उसको डायरेक्टिव करें कि बच्चों को जो फ़ोन कर रहे हैं तो उनका फ़ोन उठाया जाए और उनको हेल्प दी जाए, जो कुछ हो हेल्प हो सकती है। बच्चों की फ्लाइट भी अभी तो कैंसिल हो गई, बीच में से लौट रहे हैं, बीच में लटक रहे हैं, खाने पीने के लिए कोई सुविधा नहीं है, जर्नी के लिए कोई सुविधा नहीं है, अभी लोकल से जा रहे हैं। और मैं फॉरेन मिनिस्टर से भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप हेल्प करें बच्चों, कि 4 बच्चे और साथ में जो थे बीच में उतर गए, उनका कोई पता नहीं है। उन्होंने बीच में एक बार बच्चों से कांटेक्ट किया था, बताया कि हम जहां पर उतर गए वहां फायरिंग हो रही है, आप लोग ट्रेन से उतरना मत। रामपुर की भोट थाना पुलिस ने 5 गौ तस्करों को गिरफ्तार किया है। 17 फरवरी की रात को कोहिली गांव के मंदिर परिसर में प्रतिबंधित पशु के अवशेष पड़ा मिला था, जिससे हिंदू संगठनों में आक्रोश पैदा हो गया और इसकी सूचना तत्काल थाना भोट पुलिस को दी गई है, जिस पर थाना भोट पुलिस ने अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने मंदिर के सामने पड़े प्रतिबंधित पशुओं के अवशेष को हटवा भी दिया था। 16/17 की रात्रि में कोयली गांव के मंदिर परिसर में थाना अंतर्गत भोट कुछ प्रतिबंधित पशु के कुछ अवशेष मिले थे। इस संबंध में थाना भोट पर अज्ञात व्यक्ति विरुद्ध जो मुकदमा पंजीकृत हुआ, थाना भोट द्वारा इस प्रकरण का सफल अनावरण किया गया और 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों से पूछताछ में ये निकला कि 5 लोगों ने गोवंश की हत्या की थी और सुनन नाम के व्यक्ति ने जो इन 5 में शामिल था, जो अवशेष थे वो ले जाकर मंदिर पर रख दिए थे। ऐसा करके सुनन अपने विरोधी लोगों को फंसाना चाह रहा था, उसके द्वारा फंसाने का प्रयास भी किया। थाना अध्यक्ष भोट को उसके द्वारा भ्रामक सूचना दी गई कि ये काम फला फला लोग कर सकते हैं, लेकिन पुलिस ने इस केस का सफल अनावरण किया है और 5 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया।
राजकीय महिला महाविद्यालय सेक्टर 16 ए फरीदाबाद और पंडित जवाहरलाल नेहरू राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय की एक्सटेंशन लेक्चरर एसोसिएशन ने जॉब सुरक्षा की मांग को लेकर सरकार का पुतला जलाया। वहीं एक्सटेंशन लेक्चरर एसोसिएशन ने 1 मार्च से शुरू होने जा रहे विधानसभा सत्र के दौरान हरियाणा विधानसभा का घेराव करने की बात भी कही है। एक्सटेंशन लेक्चरर ने का कहना है कि 10 बरस पहले जब आपकी कमी थी तब सरकार ने उन्हें बहुत ही कम वेतन पर रखा था और अब सरकार नई भर्ती करके उन्हें बेरोजगार करना चाहती है, जिसके लिए वो संघर्ष करेंगे। सरकार की वादा खिलाफी में मैम मैं यही कहना चाहूँगी कि 9 तारीख को भी हमने जाकर एजुकेशन मिनिस्टर का घेराव किया, उसके बाद 16 फरवरी को हम लोगों ने जाकर सीएम का घेराव किया और आज की डेट में हम देखें आज हमारे कितने भाई बहन वहाँ अनशन पर बैठे हुए हैं, मरने की स्थिति में है, लेकिन सरकार का कोई प्रतिनिधि आकर उनकी सुध नहीं ले रहा। क्या यही सरकार का धर्म है अपनी जनता के प्रति? देखो जी, कहने की बात तो ये है कि आज इस सरकार की ये स्थिति है कि अब तक तो किसान बैठे, मजदूर बैठे, तो वो तो कह दी कि भाई ये आतंकवादी हैं, ये घर से फ्री हैं, लेकिन सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि जब देश का जो शिक्षक है, जो देश की भावी भविष्य की जो पीढ़ी है, आने वाली जो पीढ़ी है, उसका निर्माण करता है, अगर वो भी जाके आंदोलन कर रहे हैं, अनशन पर बैठे हैं, तो इससे बुरी बात तो देश में कुछ हो ही नहीं सकती। क्योंकि भारत का भविष्य अगर हमें बनाना है तो उसको हमें सुरक्षित हाथों में देना, और वो सुरक्षित हाथ कौन से? हमारे लेक्चरर हैं, जो हमारे साथी प्राध्यापक हैं, ये सभी हमारे सुरक्षित नहीं हैं, तो फिर हम भारत का भविष्य कहाँ से सुरक्षित करेंगे? नहीं, अभी ऐसे तक तो प्रशासन की ओर से हमारे पास जो है किसी ने कोई जो है कॉन्टेक्ट नहीं किया है, और हम जो है लगातार जो है सरकार से अपनी मांग जो है बोल रहे हैं उनको, और हमने कई बार जो है शिक्षा मंत्री से भी बातचीत की है, और जो है माननीय मुख्यमंत्री के जो है पीए हैं उनसे भी मिले हैं, और अभी तक जो है हमें सिर्फ आश्वासन मिला है। पिछले लगभग 1.5-2 साल से सरकार जो है सभी मांग पूरी करने की बात करती है, लेकिन वो सिर्फ आश्वासन देते हैं, आश्वासन से आगे कुछ नहीं होता है। मेरे को ये कहते हुए भी शर्म आ रही है कि हम सबसे ज़्यादा एजुकेटेड क्लास आज सड़कों पर आई है इस सरकार के तहत अपनी मांग रखते हुए। ये बहुत शर्मनाक बात है इस सरकार के लिए, और हमें आज बहुत हीन भावना आ रही है कि जहां हम बच्चों को प्रेरित करते हैं कि आप अपने राइट के लिए खड़े हो, वही काम आज हमें करना पड़ रहा है, और सरकार की कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है। हम लोग PhD हैं, नेट क्वालिफाइड हैं, जो एक क्वालिफिकेशन एक प्रोफेसर के लिए चाहिए होता है, उसके बावजूद भी 10-12 साल से संघर्ष करने के बाद भी हम लोग यहाँ पर खड़े हैं। ग्रेटर फरीदाबाद के सेक्टर 81 स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल के 10वीं कक्षा के छात्र ने स्कूल से परेशान होकर अपने घर की 15वीं मंजिल से छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। छात्र ने मरने से पहले स्कूल की सारी काली चिट्ठे अपने सुसाइड नोट में लिख दिए थे। बता दें कि पिछले कई महीनों से लगातार स्कूल के अंदर कुछ लड़के इसके बेटे को कई तरह की यातनाएं दे रहे थे, जिसकी शिकायत स्कूल प्रबंधक से की गई और कई बार की गई, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। बता दें कि मृतक छात्र उसी स्कूल शिक्षिका थी। कार्रवाई भी शुरू कर दी है। वो पिछले 1-1.5 साल से डिप्रेस चल रहा था, जो भी प्रॉब्लम सिचुएशन चल रही थी, जिस तरह से भी स्कूल में उसको बहुत हरास किया जाता था, इतनी बुलिंग करते थे उसके लड़के, जाकर बोलता था प्रिंसिपल को। पर जो लड़के जो ऐसा करते थे ना, पता नहीं कौन सी किस हाई फाई फैमिली के थे कि उनको पैसा खिलाकर या क्या उसको दबा दिया गया वहाँ पर, उन बातों को उनके रिकॉर्ड हटा दिए गए। एक बार बच्चे की फ्रस्ट्रेशन निकलवा लो, वो बच्चों को बुला के उनको डांट दो तो बच्चे की फ्रस्ट्रेशन हट जाएगी, क्या पता हमारा बच्चा जी जाए। बहुत सेंसिटिव बच्चा था, कहता मासी कोई भी नहीं सुनता स्कूल में, टीचर मैं सबको बताता हूँ कि ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ, मुझे स्कूल नहीं जाना, मुझे स्कूल जाने से डर लगता है, मेरे को वाना वो सारी चीजें नजर आती है कि वैसे ही मेरे साथ होगा। मैंने कहा नहीं होगा बेटा, बोल्ड बन, कोई बात तो हम सब तेरे साथ, हम बोलेंगे HM को, प्रिंसिपल को। नहीं मासी कोई भी नहीं सुनता। फिर एग्जाम देने गया, अभी स्कूल खुले हैं 10th के, उसके एग्जाम थे, एग्जाम देने गया तो वहां पर उसको फिर ममता गुप्ता ने इतना टॉर्चर किया, इतना डांटा उसको। साइड नोट में उसने लिखा कि उसने किस तरीके से गंदे लफ्जों में बात करी। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप
आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।